अब मसालहत नहीं जारहाना सियासत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए प्लान बना लिया। लोड शेडिंग, महंगाई और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों पर शदीद तंकीद की जाए। शहबाज शरीफ ने पार्टी अहदेदारों को एक्शन प्लान बता दिया। इसकी मजीद तफसील जानेंगे इखलाक अहमद से। इखलाक बताइए। जी बिल्कुल, लीगी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने की जारहाना हुकूमत असेंबली जो है वो तैयार कर लिया है, और जिसके मुताबिक मुस्तलिक नून के सदर ने चारों सूबाई सदूर और अहदेदारों को हुकूमत के खिलाफ मुतहरक होने की बाकायदा तौर पर हदायत भी दे दी हैं। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुंतखब लीगी नुमाइंदों को पार्लियामेंट और दीगर असम्बलियों में हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने की हदायत करते हुए कहा है कि लोड शेडिंग, महंगाई और हुकूमत को नाकाम जो पॉलिसियां हैं उनको हतवे तनकीद का निशाना बनाया जाए, और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं पर एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम को भी हतवे तनकीद का निशाना बनाया जाए, जबकि पार्टी सतह पर ईद के बाद वर्कर्स कन्वेंशन और कार्नर मीटिंग का जो है वो इनकार किया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद हदायत देते हुए कहा है कि लोड शेडिंग, महंगाई और दीगर अवामी इशूज पर हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाए, जबकि अवामी एहतजाजों में जो है बताया जाए कि किस तरह नून लीग ने मुल्क को अंधेरे से दूर किया था, और मुंतखब लीगी अरकान हफ्ते में कम अज कम दो दिन अपने हलकों में मौजूद रहे। शहबाज शरीफ जो है वो ईद के बाद बाकायदा तौर पर चारों सूबों का दौरा भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।